हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज नंबर 13 के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए जाएंगे। यहां से 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी इसको सॉल्व करना है। अब इसमें आप लोग को ध्यान देना है, जैसे लिखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति है तो दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है ए बी ई, ठीक, फिर बी सी एफ यानी बी के बाद सी और फिर ई को हटा के एफ लिया गया यहाँ पर, फिर सी डी ई एफ जी, यहाँ पर ई एफ यानी सी के बाद डी, डी के बाद क्या आता है ई एफ जी। इसी प्रकार से यहाँ की यहाँ क्यों यहाँ आना चाहिए डी, डी ई दो अक्षर आने चाहिए, ठीक, डी ई आने चाहिए। उसके बाद ये देखना आपको उसके बीच में दो अक्षरों की गैपिंग की गई है, तो डी ई यहाँ पर डी ई एफ जी एच, तो ये दो अक्षर हर ग्रुप में हटा दिए गए हैं, ठीक। तो इसमें कैसे ए बी सी दिखा था, यहाँ पर देखिए पहला ए बी सी डी ई, यहाँ पर सी डी को हटाया गया तो ए बी लिखा गया है। दूसरा देखिए बी सी ई बी सी डी ई एफ, यहाँ पर भी दो अक्षरों को हटा के बी सी एफ लिखा गया। उसी प्रकार डी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर अगर हम एफ और जी को हटा देते हैं तो कौन सा आएगा डी ई एच, यानी इसका आंसर होगा डी ई एच, इसमें भरा जाएगा इस विकल्प में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 2, 6, 12, 20, 30, 42, इसमें आपको देखना कितने कितने का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 के बीच में, 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, ठीक, फिर 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर है, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12 इनके बीच में इस तरह से श्रेणी बन रही है, 4, 6, 8, 10, 12 इन संख्याओं के बीच में अंतर है। तो यहाँ पर 12 के बाद कितना आएगा 14 का अंतर, तो यानी कि इसमें 14 अगर हम जोड़ देंगे 42 में 14 जोड़ देंगे कितना होगा 4, 2, 6, 5, 1, 56, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 56 आएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से इसमें 56 लिखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा 14, 15, 32, 99, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 14, 14 एकम 14 और एक जोड़ा गया तो हुआ 15, ठीक। देखिए यहाँ पर 14 एकम 14 और प्लस 1 = 15, फिर 15 दूनी 30, ठीक, 15 दूनी 30 और जोड़े गए इसमें 2, हो गया 32, फिर 32 का यहाँ पर 30 का देखना आपको पूर्णांक, 32 कितना हुआ 96, 3 से गुणा 32 का, 32 96, और इसमें कितने जोड़े गए, इसमें जोड़े गए 3 तो हो गया 99, ठीक। अब इसी प्रकार 99 को गुणा 4 बार करेंगे, 99 गुणे 4, ठीक, 99 गुणे 4 कितना होगा 32 तियाँ, फिर हाँ 4 जोड़े गए और प्लस 4 करना भी इसमें, तो 99 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 9 36, ठीक, और प्लस 4 कर देंगे इसमें 4 9 36, उसके बाद 4 9 36 यानी कि 396 होगा, 4 9 36 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो इसमें आंसर 400 आएगा, इस प्रकार से इसका आंसर 400 होगा, ठीक। अब अगला 4 9 16 25, ये 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25, तो 5 के बाद क्या आता 6 और 6 का वर्ग 36 भरा जाएगा इसमें, इस तरह से इसमें 36 भर देंगे। अब अगला इसमें देखिए, अगर ध्यान से देखें आप 3, 6, 9, 12, 15 यहाँ पर भरना है और 21, 24, तो यहाँ पर टेबल बन रही है, 3 + 3 = 6, 3 × 9 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ठीक, 3 × 6 = 18 ले लें, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, यानी यहाँ पर कितना आएगा
इसका आंसर इसमें 18 भरा जाएगा क्योंकि 3 6 18। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें दिया है 3 7 15 31 और 63। यहाँ पर 3 को 2 से गुणा किया गया, 3 × 2 6 और इसमें जोड़ा गया 1, हो गया 7। ठीक, यहाँ पर 7 को 2 से गुणा किया गया, 7 × 14 प्लस 1 जोड़ दिया गया 15 हो गया। यहाँ पर 15 से गुणा किया, 15 को 2 से गुणा किया गया, 15 × 30 और 1 जोड़ दे गए तो 31 हो गया। फिर 31 को 2 से गुणा किया गया, 31 × 2 62 प्लस 1 = 63। और फिर 63 को 2 से गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो 63 × 2 + 1 यानी 3 × 2 6 और 2 × 6 12 और प्लस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 127 इसमें भरा जाएगा 127 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए दिया है कि प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज़ को मोड़ने काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ये आपके क्वेश्चन मानसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर मानसिक दिमाग का प्रयोग करके इनको हल करना रहता है। तो मान लीजिए एक कागज़ है, इसको यहाँ पर फोल्ड किया गया, फोल्ड करने के बाद फिर ये फोल्ड किया गया और फिर इस तरह से इसमें काटा गया। यहाँ पर देखिए किस आकृति का काटा गया है, ये एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज के आकार का काटा गया है। अब आपको क्या ढूंढना है, यही आकृति ढूंढनी है, जिस विकल्प में ये आकृति दिखाई देगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको अगर देखेंगे तो ये तो आयत की तरह है, ठीक, ये वृत्त की तरह है, ये वर्ग की तरह है और ये आकृति समांतर चतुर्भुज की तरह दिख रही है। तो ये चार कोणों पर बने हैं ना, इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। हम इसी आकृति से पहचान लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना है आपको कि जितने त्रिभुज दिख रहे हों इसमें उनका दोगुना करके और 2 आपको प्लस कर देना। ठीक, तो इसमें त्रिभुज देखिए कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 दिख रहे हैं ना, 5 × 10 कर दीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी जितने त्रिभुज दिखते हैं उसमें 2 प्लस कर देना आपको, तो हो जाएगा 10 + 2 यानी कितने त्रिभुज होंगे, 12 होंगे इसमें, इस आकृति में 12 त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर 12 हो जाएगा। अब 8वां नंबर, इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। उससे पहले देखिए दिया है यहाँ पर 6 7 13 13 3 16 4 20 20 हो गया। ठीक, इधर 8 10 18 18 और 5 23 23 7 30 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे 20 7 27 27 और 9 36। अब 36 में कितना जोड़ा जाए कि 50 हो जाए, समझ गए ना। तो क्या करेंगे हम, 50 में कितना जो 36 में कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आंसर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू। हाँ सी जोड़